बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है और स्टूडेंट्स इसके में हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है द कैथोड रिएक्शन इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ WH2S4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो रिडक्शन है। और रिडक्शन है हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है? ऑक्सीडेशन, बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन, ये तीनों एमसीक्यूज नहीं है। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। कैसे है? जब स्टूडेंट्स हम डल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो हमारे पास जो आइंस प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर जो है वो वहां से इवॉल्व हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ पे हाइड्रोजन का है वो देखें +1 है, जबकि हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हाइड्रोजन का वो 0 हो चुका है। इट मींस कि ये हमारे पास जो है रिडक्शन प्रोसेस है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ द साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड बिटवीन द टू हाफ सेल्स देन द वोल्टेज। तो अगर हम साल्ट ब्रिज को जो है टू हाफ सेल्स में अगर हम साल्ट ब्रिज को स्टूडेंट्स यूज ना करें देन वोल्टेज पे क्या इफेक्ट होगा, वोल्टेज क्या होंगे? जी स्टूडेंट्स, डिक्रीजेस रैपिडली, सेकंड ऑप्शन डिक्रीजेस स्लोली, सी ऑप्शन डज नॉट चेंज, डी ऑप्शन ड्रॉप्स टू 0। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ड्रॉप्स टू 0। वो कैसे? बिकॉज जब हमारे पास स्टूडेंट सॉल्ट ब्रिज जो है वो टू हाफ सेल्स के अंदर सॉल्ट ब्रिज को हम यूज नहीं करेंगे तो आयनिक करंट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इट मींस जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वो ड्रॉप्स टू 0, ये हमारे पास करेक्ट जो है वो ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रेडॉक्स पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है रिडक्शन पोटेंशियल। बिकॉज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी वो जो है ग्रेटर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो स्टूडेंट्स हमारे पास राइट ऑप्शन है डी, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पर जो है वो अकर होती है, इसी तरह रिडक्शन जो है वो कैथोड पर। लास्ट एमसीक्यूज, इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट, फर्स्ट ऑप्शन कॉपर विल बी प्रेसिपिटेटेड आउट डाउन, सेकेंड ऑप्शन आयरन इज प्रेसिपिटेटेड आउट, सी ऑप्शन कॉपर एंड आयरन बोथ डिजॉल्व, लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स डी, नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो स्टूडेंट्स में जो राइट आंसर है वो हमारे पास है बी ऑप्शन, आयरन इज प्रेसिपिटेटेड आउट। स्टूडेंट्स जो कॉपर है, हम पढ़ चुके हैं जो कॉपर की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, इलेक्ट्रॉन्स देने की, वो ज्यादा होती है एज कंपेरेटिवली आयरन के। तो जो हमारे पास आयरन है वो इस रिएक्शन में जो है वो प्रेसिपिटेटेड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज के हवाले से कोई पीडीएफ फॉर्मेट या आपको क्या कहते हैं ऑफिस फॉर्मेट अगर चाहिए, जी स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको जो है पीडीएफ फॉर्मेट में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिसेंटली बहुत सारे पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, बहुत सारे बोर्ड्स में आ चुके हैं, उन्होंने दिए हुए थे, अगर वो आपको चाहिए तो आपने इस वीडियो के एंड पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट लाजमी कर देना है, आपको जो है वो दे दिए जाएंगे। शुक्रिया।